छोटा वाला ये आता है 40 रुपए का, अपने इंडिया में तो ये 20 रुपए का होगा। बड़ा डिब्बा आ जाता है भाई इंडिया में 45 रुपीज का। बियर यहाँ पे बड़ी सस्ती है भाई, यहाँ पे आपको बियर 1 यूरो से कम की मिल जाएगी। यार ये देख लो एक्सचेंज का लिखा हुआ है, 1 यूरो का 117, अगर डॉलर लेकर आ रहे तो 118। पासपोर्ट कहता है यू इंडियन, मैंने कहा यस। कहता है पासपोर्ट, मैंने कहा आई डोंट हैव पासपोर्ट। क्या हाल है भाइयों और उनकी बहनों, क्या हाल है आप सबके? नई कंट्री, नई सिटी, नए देश, नई करेंसी, नया सब कुछ में आपका स्वागत है। वी आर इन सर्बिया। नीश इसका नाम आप देखोगे, आप कहोगे नीज, नीज नहीं है भाई, वो आई के ऊपर वो डंडा टाइप है, इसको कहते हैं नीश, नीश सर्बिया। इसकी पॉपुलेशन ओनली 1,50,000, 2 लाख के करीब पॉपुलेशन होगी। सर्बिया के अपने आप पॉपुलेशन 1.5 मिलियन ही है, 1.4 मिलियन, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इस छोटी सी कंट्री की। यहाँ की करेंसी अलग है, सर्बियन दिनार करीबन 116 सर्बियन दिनार इज़ इक्वल टू 1 यूरो। तो काफ़ी सस्ती कंट्री है मेरे हिसाब से, ज़्यादा महंगी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। जैसे आप वेस्टर्न यूरोप जाओगे, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, बॉल्कन रीजन काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे आप खाना पीना 100-200 रुपये में कर सकते हो। हॉस्टल का रूम दिखाऊँगा मैं अभी, करीबन 900-1000 रुपये में ये रूम मिल सकता है आपको। तो ज़्यादा इतना ज़्यादा महंगा नहीं है मेरे हिसाब से, आप और आराम से आप 7 से 10 दिन बिता सकते हो। मैं करीबन 5 दिन हूँगा सर्बिया में, 5 से 6 दिन। तो देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। विल गो आउट एंड एक्सप्लोर नीस सिटी टुडे। यार कल जब मैं रात को आया था ना, उसके बाद मेरा फिल्मिंग करने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था और मैं थका हुआ भी बहुत था। मूड क्यों ख़राब हुआ था? क्योंकि यार यहाँ पे जो हॉस्टल में मैं आया था ना, मैं कम से कम 45 मिनट्स to 50 मिनट्स बाहर वेट करते रहा और किसी ने अटेंड नहीं करा मेरे को। रिसेप्शनिस्ट था नहीं यहाँ पे, तो फिर वो आए जनाब, लेट आए, तो फिर उन्होंने सॉरी 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 कहा। फिर मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट डन, मैं अपने हमेशा स्टैंड लेता हूँ यार, अगर आप सही हो तो हमेशा अपना स्टैंड लो, किसी के सामने ऐसे झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला कि यू आर 45 मिनट्स लेट, वॉट कैन वी डू अबाउट दिस? तो वो बहुत पोलाइट हो गए, उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी और उन्होंने बोला ओके हाउ मेनी डेज़ आर यू स्टेइंग हियर? तो मैंने कहा मैं तो एक ही दिन रुक रहा हूँ, मेरा आज बेलग्रेड जाने का मन था। बट उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, इफ़ यू प्लान टू स्टे फॉर 2 डेज़ देन आई विल गिव यू 1 डे फ्री। और फिर उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात करी, मैप वैप शेयर कराया, बताया ये जगह चले जाओ, यहाँ पे खा लो, और बहुत बार अपोलोजाइज करा। और इस हॉस्टल की भी रेटिंग ना अच्छी है काफ़ी, ब्लूम हॉस्टल है यहाँ पे, ब्लूम इन हॉस्टल एंड होटल। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि यार ठीक है, उनका बर्ताव काफ़ी अच्छा था। बट मेरा पहला बहुत मूड ख़राब हो गया, तो उसके बाद मेरे का फिल्मिंग करने का मन नहीं करा, और वैसे भी रात हो चुकी थी, करीबन मैं 6:30 पहुँचा था और 8 बजे तक मैं हॉस्टल से बाहर निकला था। भाई चीज़ों की प्राइसेस भी बता देता हूँ, यहाँ 90 की है तो मतलब होगी 60 रुपये कुछ की। बियर यहाँ पे बड़ी सस्ती है भाई, यहाँ पे आपको बियर 1 यूरो से कम की मिल जाएगी। पानी बड़ा महंगा है यार यहाँ पे, पानी आप टैप वाटर पी सकते हो, वैसे कोक की बोतल छोटी वाली 90 की, ये हो गया अपने वही 50-60 रुपये की छोटी बोतल, और बड़ी बोतल खरीदते हो तो 1 यूरो की है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे कियोस्क ऐसे हर जगह दिख जाते हैं आपको, और मैंने खाना ऑर्डर करा है वहाँ पे, क्लूज़ो, ये बड़ा फेमस है यहाँ पे सर्बिया में, आपको टोस्टेड चीज़ मिलेगा, ऐसी हर जगह दिख जाएंगी आपको। पानी भी खरीद सकते हो, पानी ये भी 80 का है, महंगा है यार यहाँ पे पानी, महंगा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। बियर वियर सस्ती होती है, जूस व्यूस भी इतने 50-60 रुपये के हैं। भाई सुबह सुबह पेट पूजा ना करो ना, मेरा दिन नहीं स्टार्ट होता, मेरा मूड ख़राब सा रहता है, ये मैंने नोटिस करा अपने बारे में। खाते हैं फिर चलते हैं। यार यूरोप में इनके पार्क ना अपने आप में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं, बिकॉज इनके पार्क बहुत अच्छे होते हैं, बहुत, अगर आपको रिलैक्स करना है ना आप यहाँ पे आओ, कुछ जूस वूस कुछ खाने पीने के लिए ले आओ और यहाँ पे आके बैठो, पूरे दिन बिता सकते हो यार आप। थोड़ी सी ठंड है, अच्छी धूप आ रही है, मस्त सेक सकते हो आराम से बैठ के अपने इंडिया में हो। ये देखो ये क्रिसमस ट्री टाइप है, ये इतना लंबा मैं कह रहा था अपने इंडिया में हो,
तो ऐसे वो मूंगफली नहीं होती है जो विंटर में, मूंगफली और गजक लेके बैठ जाओ यहाँ पे, मस्त पूरे दिन खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, आगे स्वाद। भाई ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये इतना बड़ा ट्रैश कैन है, इसमें बड़ा सा लगा हुआ है, ये देख रहो खोला नीचे से तो खुल गया, बहुत बड़ा है ये, बहुत गहरा है ये। गोप्रो ना गिर गया मेरा, ऐसे कुछ बने हुए ये यार। ये लो ना, हम लोग रिपब्लिक स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है ना सारे महंगे महंगे वाले हैं। यहाँ पे आप करीबन एक मील के लिए आप 800 से 1000 रुपये पे कर सकते हो आराम से, बट तब भी इस कंट्री के लिए सस्ता ही है मैं कहूँगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हो, आप बिल्कुल ही सेंटर में बैठे हो, आप वही क्रोएशिया में इसका डबल या ट्रिपल पे करोगे, तो उस हिसाब से तो सही है। और यार अपने इंडिया में दिल्ली में भी आप अच्छे रेस्टोरेंट जाते हो तो 800 से 1000 का बिल आ जाता है, तो यहाँ पे वही हिसाब है। प्लस यहाँ पे ड्रिंक्स काफ़ी सस्ती हैं, अल्कोहल पूरे यूरोप में ही बहुत सस्ता है। ये मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ से राइट साइड पे रिपब्लिक स्क्वायर है यार, ये देख लो एक्सचेंज का लिखा हुआ है, एक यूरो का 117, अगर डॉलर लेकर आ रहे हो तो 118। स्विस करेंसी, डेनमार्क की, नॉर्वे की, सबकी रूबल का आया हुआ है, सबकी एक्सचेंज कर सकते हो। अपना रुपये मत ले आना यार, वो नहीं एक्सचेंज होगा, यूरो डॉलर एक्सचेंज हो जाएंगे। भाई ये सामने देख रहे हो ये रिपब्लिक स्क्वायर है, मेन सेंटर है सिटी का, और यहाँ पे बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, फोरम शॉपिंग मॉल, यहाँ पे कल मैं गया था अंदर। ये पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट शॉप्स हर जगह हैं। यार ये जो रिपब्लिक स्क्वायर वाला एरिया है ना, ये शॉपिंग रेस्टोरेंट्स और नाइट लाइफ के लिए अच्छा है यहाँ पे, और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे रात को आ सकते हो, रेस्टोरेंट्स में बैठ सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हो, उसके अलावा देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्राउड इंजॉय कर सकते हो और क्या है। भाई एक आइडिया है, ये वाला आइडिया है, ये सुपर मार्केट है यार यहाँ पे सर्बिया में, अंदर जाके आपको थोड़े प्राइसेस दिखाता हूँ खाने पीने के। अपना फ्रूट देख लो, चार एप्पल हैं एक यूरो से ऊपर, मतलब 90 रुपये के। ब्लूबेरी मिल जाएगी आपको, महंगी होती है ब्लूबेरी, कुछ 150-200 रुपये की है, ऐसा कुछ है। फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको काफ़ी सारे, अच्छा प्रोड्यूस मिल जाता है आपको, इंडिया से तो महंगा है, इंडिया से डबल है ऑलमोस्ट फ्रूट। ये देख लो एनर्जी ड्रिंक बहुत सस्ती है, ये 60 रुपये की, अपनी रेड बुल 100 रुपये की आती है इंडिया में। कॉफ़ी एक ये पैकेट होगा यार, कन्वर्ट कर लो आप, 116 का है, एक डिवाइड करके कन्वर्ट कर लेना, 10-10 रुपये का होगा शायद, ऐसा कुछ है। सारी कॉफ़ी के बहुत ऑप्शंस मिलते हैं आपको वहाँ पे, चीज़ सलामी के भी ऑप्शन मिलते हैं, ये ब्रेड का सेक्शन आ जाता है। ये कितने का होगा भाई, ये 40 रुपये का एक है, ये 1 यूरो का एक 80 रुपये का, सस्ते में खा सकते हो यार, इतना महंगा नहीं है। कोक का कैन आधा है यहाँ पे है 50 रुपये का, 40-45 रुपीस का, अपने इंडिया में भी तो 30 रुपये का मिलता है। फिर देखते हैं दूध दही, भाई अब ये दूध लग रहा है मेरे को, पता नहीं चलता कभी के बाद, ये है 80-90 रुपये, दूध महंगा है यार यहाँ पे, दूध दही महंगी है यार यहाँ पे। ये योगर्ट टाइप मिल जाता है, ये है 50-60-70 रुपये का। दूध दही महंगी है, मैंने ऑब्जर्व करा है पूरे यूरोप में दूध दही महंगी है। ये छोटा वाला भी देखो, छोटा वाला ये आता है 40 रुपये का, अपने इंडिया में तो ये 20 रुपये का होगा, बड़ा डिब्बा आ जाता है भाई इंडिया में 45 रुपीस का। और अंडे भी महंगे हैं भाई यहाँ पे, अंडे देखो 10 का क्रेट खरीदते हो तो ये पड़ता है लगभग 120-130 रुपये का, अपने इंडिया में पूरा दर्जन अंडे आ जाते हैं इतने के। ये भी है योगर्ट पूरा देख लो, महंगा है यार ये चीज़ें महंगी हैं। सब्जियाँ ठीक ठाक हैं, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है अपने इंडिया तो यार, अपनी इंडिया तो सबसे वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है यार, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। सब्जियाँ महंगी होंगी ऑलमोस्ट 1.5-2x होंगी अपने इंडिया से कंपेयर्ड, मिल जाता है लेकिन सब कुछ यार। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं इतने ऑप्शन हैं भाई, आप भूल जाओगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैंने इसमें से बिल्कुल मतलब 5-6 ट्राई करे होंगे शायद अभी तक पूरे यूरोप में, इतनी ऑप्शन है भाई। सलामी ये देखो, आप चिकन खाते हो इससे चिकन सॉसेज आता है ये 120-130, इसको काट के खा सकते हो, सैंडविच में डाल सकते हो,
चीज़ के इतने ऑप्शन होते हैं यार यहाँ पे, अलग अलग का टाइप का चीज़ होता है ये, अपने इंडिया में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, यहाँ पे तब भी कंपैरेटिवली सस्ते हैं भाई। पर ये देखो, ये पास्ता में डालने का चीज़, ये अलग अलग चीज़, ये दूसरा वाला टाइप ऑफ चीज़। और भाई दारू के सेक्शन को कैसे छोड़ दें भाई, ये तो देख रहे हो भाई कितनी ऑप्शन है। ये देखो बॉटल फॉर कितने की, कुछ भी नहीं है यार प्राइस। ये एक वाइन की बॉटल आएगी आपकी 5-6 यूरो की, 500 रुपये से कम की भाई। और जॉनी वॉकर देख लो, ये है जॉनी वॉकर, शायद इसका यही प्राइस है शायद। ये भी महंगी नहीं है, 12-13 यूरो की, जितनी अपने इंडिया में दिल्ली में मिलती होगी शायद। वैलेंटाइंस ज़्यादा महंगा नहीं है यार, दारू बहुत सस्ती है यूरोप में, बियर तो उससे भी ज़्यादा सस्ती है भाई। देख रहे हो 0.5 यूरो की बियर, लगभग 40 रुपये की, कहीं नहीं मिलेगी आपको, गोवा तक को नहीं मिलेगी आपको इतने की बियर। तो यार जूस लिया है 60 रुपये का, अच्छा तो है, थोड़ा महंगा है, अपने इंडिया में 30-40 रुपये का मिलता, तो 1.5x है अपने प्राइसेस। और यहाँ पे H&M और शॉपिंग का भी दिख जाएगा, मैं 2-3 स्टोर्स बताऊँगा आप लोगों को, अगर आपको शॉपिंग करनी है काफ़ी सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। यार आपने शॉपिंग करनी है ना, ये अच्छा ब्रांड है, तुर्किश ब्रांड है, यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ती आइटम मिल जाएंगे, सस्ते क्लोथ मिल जाएंगे। और एक ये सामने है न्यूयॉर्कर, ये US बेस्ड ब्रांड है, यहाँ पे सस्ते मिल जाएंगे, मतलब 1000-2000 रुपये में आपको कपड़े अच्छे मिल जाएंगे। ये वाला भाई, ये जो है ना स्क्वायर, ये किंग मिलाना स्क्वायर, ये पूरा वाला स्क्वायर है, और वहाँ पे नीस का फोर्ट्रेस है शायद, मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से व्यू दिखता है सिटी का। इस सिटी में अपने आप में यार बस सिटी है बड़ी, और कुछ नहीं है करने के लिए। आप वैसे माउंटेन्स में भी जा सकते हो सर्बिया के, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं देखूँगा अगर मैं जा पाऊँगा कि नहीं, बट सर्बिया में अपने आप में बहुत ज़्यादा है करने के लिए चीज़ें। आप माउंटेन्स जा सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जा सकते हो, आप अच्छा 10 दिन आराम से बिता सकते हो सिर्फ सर्बिया में, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, तो आप ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो सर्बिया 10 दिन में। भाई ये पतझड़ के कलर देखो क्या कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो नीचे भी देखो कितना प्यारा लग रहा है ये पार्क, ऐसे पूरे कलर बने हुए हैं येलो वाले, और पूरे पत्ते नीचे गिरे हुए हैं वाले ऐसे वाले। भाई यहाँ से फोर्ट्रेस से व्यू दिखेगा नीस सिटी का, थोड़ा बहुत, कोई बहुत ज़्यादा व्यू नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत व्यू दिखेगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। येलो येलो ये व्यू देख लिया, व्यू नहीं बस इतना ही है। ऐसे फोर्ट्रेस के अंदर गार्डन्स बने हुए हैं सारे, चलते हैं बाहर। यार एक और लोकल मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको, बादाम, अखरोट, ये सनफ्लावर सीड्स, अखरोट देख रहे हो, सब सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे, आगे चीज़ हैम सब कुछ मिल जाएगा। कपड़े काफ़ी सस्ते होते हैं यहाँ पे, अगर आपको थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज बोलनी आती है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप साइन लैंग्वेज में भी इनको बता सकते हो मेरे हिसाब से। सेब 80 के 1 किलो लिखा है, काफ़ी सस्ते हो यार, ये तो 60 रुपये के 1 किलो, ये तो सही हुआ प्राइस, अपने इंडिया में कितने हैं, 40 रुपये की है शायद सेब। ये सुपरमार्केट के प्राइसेस सस्ते होंगे, देखो प्याज लिखा है 100 के, 100 हो गए अपने वही 65-70 रुपीज़ आई थिंक, वो तो महंगा है भाई, प्याज तो अपना बहुत सस्ता है इंडिया में। भाई यहाँ पे गोभी दिख गई मेरे को, अपने गोभी के पराठे खाने का मन कर गया है यार, क्या करें यार, ये बाहर रह के ना 2 महीने अभी खाना, यार खाने की दिक्कत बहुत होती है मेरे को पर्सनली तो बहुत दिक्कत होती है, मेरे को घर के खाना पसंद है यार, मेरे को बाहर का खाना वैसे भी इतना ज़्यादा पसंद है नहीं, मैं 10 दिन में एक बार ही खाता हूँ जब मैं इंडिया में होता हूँ। यहाँ पे गोभी, पत्ता गोभी पड़ी हुई है, मेरा पराठे खाने का मन कर गया, घर पहुँचूँगा तो दबा के खाऊँगा, मतलब 5-6 पराठे एक बार में खा जाऊँगा। ये देखो ये रही गोभी, इसको देख रहे हैं आप, 150 की लिखी है, महंगी है यार यहाँ पे सब्जियाँ तो महंगी है, अपने इंडिया से तो महंगी है यार। ये बर्गर लिया मैंने यहाँ से, सब ले रहे थे,
मैंने कहा हम भी खाते हैं, कितने का पड़ा ये? 150 रुपये का, उससे कम, 120-130 रुपये का पड़ा। ये बहुत बड़ा बर्गर है, ये पूरा खाना पेट भर जाएगा इससे। मैंने दिए 200 इसके, 200 वही अपने कैलकुलेट कर लो, 200 अपने हुए 140 रुपये। खा के चलते हैं, बैठते हैं थोड़ा यार, आराम से खाते हैं। यार ये है ट्रेन स्टेशन यहाँ का, नीश का मैं भी नीश कह रहा यार, नीश है ये जगह। तो नीश के लिए ट्रेन स्टेशन पे आया था मैं, पता करने के लिए कि बेलग्राद या बियोग्राद, यहाँ पे बियोग्राद कहते हैं, सर्बिया की राजधानी कैपिटल, तो वहाँ की ट्रेन है। तो आज नहीं ले रहा मैं, कल सुबह लूँगा। कल सुबह यहाँ से 7:30 बजे आती है और आई थिंक 3 या 4 घंटे लेती है। उसकी कीमत काफ़ी सस्ती थी यार, मैं सोच रहा था महंगी होगी, बट 8 यूरो की है, करीबन 650-650 रुपये, मेरे हिसाब से ठीक है यार, मेरे हिसाब से ठीक है। और मैं ना ये तब से ये बॉटल कैरी करके चल रहा हूँ, मैंने छोटी बॉटल लेनी चाहिए थी, छोटी बॉटल थी 60 की, जो थी 500 ml की, 100 की 1.5 लीटर की। मैंने कहा भाई बड़ी ले लेते हैं, फिर लेके घूमते रहेंगे, कोई बात नहीं, प्यास लगी पीते रहेंगे। ये है ट्रेन स्टेशन। और अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ, मैं अंदर ना बैठा होता और अंदर वाईफाई था, मस्त चल रहा था बिल्कुल। मैंने कहा 10-15 मिनट देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों से, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं थोड़ा टाइम। तो एक पुलिस ऑफिसर रैंडमली आ गया, कहते दोब्रेदान, दोब्रेदान मतलब गुड आफ्टरनून। मैंने कहा दोब्रेदान, कहते कि ये पासपोर्ट। मैंने कहा वाई पासपोर्ट, कहते यू इंडियन। मैंने कहा यस, कहते पासपोर्ट। मैंने कहा आई डोंट हैव पासपोर्ट। यार बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग रहा करो, ऐसे नहीं कि आप पिघल जाओ उनके सामने कि पुलिस वाला है तो कुछ भी मांगेगा। मैंने कुछ करा नहीं, मैं बैठा हूँ। मैंने कहा व्हाट हैव आई डन, कहते हैं नथिंग, आई जस्ट वांट पासपोर्ट। मैंने कहा पासपोर्ट इज़ एट होटल, वो चला गया चुपचाप। मैंने कहा ये तो बहुत वियर्ड है, बट ठीक है, मैं समझता हूँ कि यार यहाँ पे काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और शर्म की बात है कि काफ़ी सारे इंडियन हैं तो ये यहाँ पे शक करते हैं। भाई मैं तो कम्प्लीटली लीगल हूँ, मैं चाहे यहाँ पे चाहूँ तो मैं पूरा शेनिगन वाला जो मेरा टाइम है मैं पूरा रह सकता हूँ यहाँ पे। हालांकि मेरे को रहने की कोई इंटेंशन नहीं है, ना मेरी कोई काम करने की इंटेंशन है यहाँ पे, तो मैं तभी बार बार कहता हूँ यार आओ तो लीगल रीजंस की वजह से आओ, नहीं तो यहाँ मत आओ, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, और अपना नाम क्यों ख़राब करना। ये मेरा बहुत भी पहले मैंने बार मैसेज कर दिया, मैसेज कन्वे करा है, बट इस बार फिर से कर देता हूँ, भाई ये काम मत करना, बस इतना ही। ये क्या है भाई, ये कहाँ है भाई, चलते हुए जा रहे थे ऐसे तोप दिख गई सामने। भाई क्या रैंडम लगा रखा है ये बिल्कुल ही रैंडम लगा रखा है, ये कहीं मतलब कहाँ बिल्डिंगों पे ऐसा टारगेट कर रहा है, समझ नहीं आया। ऑफ कोर्स डीकमिशनड है, चलता नहीं है, बट बिल्कुल ही रैंडम था भाई, चलते हुए जा रहा था यहाँ से, सामने दिख गया ये, पता नहीं यार। यहाँ पे ना कैसीनोज भर के हैं बॉल्कन रीजन में, आपको हर जगह कैसीनो दिख जाएंगे। मेरा भी बड़ा जाने का मन है, ऑल दो मैं गैम्बलिंग कभी करता नहीं हूँ, मेरे अंदर है नहीं, मतलब मेरे को पता है यार ये यहाँ पे पैसे डूबने हैं, मैं गैम्बलिंग करता नहीं हूँ, बट यहाँ पे स्पोर्ट बेटिंग भी चलती है। लोग ने अंदर सट्टा लगा रखा है, बाहर देख रहे हैं स्पोर्ट्स पे, ये जीतेंगे तो पैसे मिलेंगे। भाई मैं रिकमेंड तो नहीं करता, बट अगर आप मज़े करने के लिए करना है तो कर सकते हो, बट इनकी लैंग्वेज में है तो हमें समझ भी नहीं आएगा कि धोखा भी कर दें। ये कैसीनोज बहुत बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत कैसीनोज हैं यहाँ पे, और स्लॉट मशीन्स कैसीनोज भर के हैं, ये हर जगह है यहाँ पे। ये वाला रिपब्लिक स्क्वायर है, यहाँ पे भर के हैं आपको, यहाँ पे हर जगह, वो देखो स्पॉट क्लब, हर जगह दिख जाएंगे आपको कैसीनो। खेलना तो भाई खेल सकते हो, ऑल दो आई डोंट रिकमेंड, बट आपको पता है आपको क्या करना है। यार ये टोस्ट वाली ना आपको हर जगह दिख जाएंगी, लोग खाते हुए दिख जाएंगे आपको रात को भी, ये लेट नाइट काफ़ी बढ़िया चलता है ये वाला। ये मैंने ऑर्डर करा है, 190 का आता है यहाँ पे, 120-130 रुपये का, काफ़ी सही है ये मेरे हिसाब से। मैंने ये ऑर्डर कर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या खाना है, एक टाइम के बाद सब लगता है ब्रेड ही तो है, ब्रेड चीज़ है, जैसे खाना है खा लो। ये खाते हैं भाई, ये रात का डिनर, और मैंने आपको बजट का अच्छा आइडिया दे दिया होगा कि कितना एक्सपेंसिव है सर्बिया। रहना खाना सस्ता है यार यहाँ पे, रहना थोड़ा महंगा है, तब भी हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे 700-800 रुपये में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको 20-30 रुपये में एक टिकट मिल जाएगी बस की, और मैं जो इंटरसिटी बस लूँगा ट्रेन लूँगा वो मैं कल बता दूँगा। बाकी तो ऐसे ही है, पानी आप यहाँ पे टैप वाटर पी सकते हो, उसके अलावा क्या ही होता है। कुछ और डाउट होंगे तो कमेंट में आप लिख देना, मैं आंसर कर दूँगा। भाई सुबह से ना मैंने पॉपकॉर्न देखे थे और मेरा बड़ा खाने का मन था, तो मैंने पॉपकॉर्न का पैकेट लिया है छोटा वाला, ये था 50 का, तो कितने हुए भाई, 30-40 रुपये,
ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई अगर आप घर पे एक्ट टू का पैकेट बनाओ तो वो तो सस्ता पड़ेगा। हाँ भाई वो सस्ता ही पड़ेगा, बाहर आके तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो ये लॉजिक मत लगाना। तो ये खाते हैं, एक हाथ बिजी है ना, कैमरा है सामने, बंद करें नहीं रख।